युग युग में धर्म की स्थापना करने के लिए, साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए, असुरों का दलन करने के लिए, असुरों का दलन करना, पृथ्वी का भार हरण करना, धर्म की स्थापना करना, ये तो विष्णु के द्वारा भी हो सकता है। जो कृष्ण के अंश के अंश के अंश के कला है, वही ये सब कब कार्य करते हैं। कृष्ण को ये सब करने की जरूरत नहीं होती, उनके अंदर में ही विष्णु तत्व हैं, जो असुरों का दलन करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। तब एक बात है, धर्म की स्थापना को इसको शब्द की कौन सी वृत्ति है, लंबी से लंबी हो सके वृत्ति को, उसके द्वारा जब विचार करते हैं धर्म कौन सा धर्म है। एक तो वर्णाश्रम धर्म लोक धर्म है, और दूसरा है जीवों का आत्म धर्म, यही सनातन धर्म है। वो धर्म क्या, भगवान को जीव को भक्त कृष्ण को पूज करके जीव संसार में पड़े हुए हैं, अनादि काल से संसार में चक्र काट रहे, जन्म मरण बुढ़ापा दुख इत्यादि। कृष्ण स्वयं कभी अवतीर्ण होते हैं, कभी महाप्रभु के रूप में आते हैं, कभी रामचंद्र के रूप में आते हैं, कभी नृसिंह के रूप में, कभी वामनी इत्यादि के रूपों में आते हैं। इसमें तीन जो अवतार है वो परावर उनको कहते हैं, अर्थात श्रेष्ठ है। कृष्ण तो स्वयं भगवान है, और इसके बाद में वही राम के रूप में आते हैं, बड़ी उनकी लीलाएं बड़ी करुणा पूर्ण है, और नृसिंह इत्यादि नृसिंह भक्त प्रहलाद महाराज को रक्षा करने के लिए है। ये तीन श्रेष्ठ है, उनमें भी कृष्ण स्वयं भगवान है, महाप्रभु स्वयं भगवान है, लीलाएं करते हैं विभिन्न प्रकार की, जिससे कि उनके साथ जो परिकर रहते हैं तो वो तो है ही है, बिना परिकर के वे लीला नहीं कर सकते, इसलिए नित्य सिद्ध अपने जो परिकर है लेकर के आते हैं, और अपनी लीलाओं के द्वारा आकृष्ट करते हैं। जो शखरस में है, जो बात्सल्य रस में है, जो मथुर रस में है, जो दास रस में है, उन लीलाओं के श्रवण से उनके चित्त में ये सब लीलाएं उदित होगी, और धीरे धीरे भजन करते 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 अपने स्वरूप में जो सिद्धि है उसको वो प्राप्त करते हैं। विशेष करके कृष्ण इसलिए आए, उनकी सबसे जो सर्वोत्तम लीला है वो है रास। रास क्यों किया, बिना राधिका के रास नहीं हो सकता, और राधिका भी अकेले नहीं आएंगी, उनके कायम व्यू इत्यादि जो सखियां हैं उनको लेकर के आते हैं। जितने प्रकार के कृष्ण की सेवाएं हैं उनमें सख से भी अधिक मधुर बात्सल्य से भी गोपियों का उन्नत उज्ज्वल पारकीय भाव श्रेष्ठ है। कृष्ण ने गोपियों को कहा, न
न पारे हम निर्वत संजुजा ससाधु कृत्यां विबुजा साप मा भजन दुर्जन प्रिय श्रृंखला संप्रिश्य तत्व प्रतिसाद। हे गोपियों, तुमने मेरे लिए लोक धर्म, आर्य धर्म, पति के प्रति धर्म, लोक लज्जा, गुरुजनों की आज्ञा रूपी पर्वत को लांग कर मेरे पास आई है, मेरी सेवा के लिए आई है, मुझे प्रसन्न करने के लिए, आनंदित करने के लिए आई। मैं इस कारण जन्म जन्मांतर में ब्रह्मा की आयु पा करके भी नहीं तुम साधु हो, अपने साधु स्वभाव से भले ही हमारा ऋण चुका सकती हो, किंतु फिर भी मैं तुम्हारा ऋण ही रहूंगा। गोपियों का यहाँ पर पराकाष्ठा के रूप में उनका महत्व दिखलाया, उससे भी अधिक जब रास हो रहा था उस समय में कृष्ण हठात अंतर्ध्यान हो गए और सब गोपियों को सौभाग्य का जो कृष्ण मेरे ही पास है, मेरा सौभाग्य अधिक है, उसके लिए उनको मद हो गया, घमंड हो गया। इसलिए सब गोपियों को छोड़कर कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, किंतु अकेले नहीं, गोपियां उनको पन पन में ढूंढने लगी, ढूंढते ढूंढते उन्होंने देखा कि कृष्ण के पैरों के चिन्ह के बीच बीच में एक छोटा बड़ा सुंदर पैर का चिन्ह है, ये तो कोई रमणी का मालूम होता है। तब उन्होंने कहा, अन्याराधितो नूनं भगवान हरि। वह जो गोपी हम सबको छोड़ करके और जिसको गोपी को लेकर के गए हैं, गोपी ने भगवान नारायण की सेवा की होगी, इसलिए उन्होंने प्रसन्न होकर के ऐसा वर दिया होगा, जिसके वजह से इस गोपी को अधिक सम्मान दे करके कृष्ण दे रहे हैं। अन्याराधित हो उस गोपी को, कृष्ण की पक्षवादी जो ललिता विशाखा है वो दुखी नहीं हुई, वो तो इसलिए दुखी हुई कि हम इनके साथ में रह करके जुगल की सेवा नहीं कर रहे, इसलिए वो दुखी नहीं हुई, दुखी थी, कृष्ण से बिछुड़ गए हैं इसलिए नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी सखी राधिका जी इनके साथ में है, इसलिए वो इसके लिए प्रसन्न थी। किंतु इस अवस्था में भी हम लोग उनकी सेवा नहीं कर रहे, बस इसी के लिए भक्त की क्या होना चाहिए भावना, कोई भी कुछ भगवान से मत मांगो, कोई भी चीज। अरे भगवान को जानने वाले हैं जैसे गोपियां हैं, कृष्ण कहेंगे जैसे मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गया, तुम कुछ वर मांगो, तो वो क्या वर मांगेगी, तुम्हारी सेवा के लिए, तब तो कृष्ण उसे ऋणी हो जाए। हम लोगों को भी याद रखना चाहिए, कभी भी कोई अभिलाषा हृदय में ना आने पाए, नहीं तो भक्ति लुप्त हो जाएगी, किसी प्रकार से भी कोई कामना नहीं। इसलिए खूब सावधान, यदि कभी स्वभाव विकृत हो जाए, उस समय द्रौपदी का जैसे अस्वाभाविक रूप में उन्होंने कहा हे गोविंद राम, ये भी कहने की जरूरत नहीं है, भगवान का चक्र सब समय अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रस्तुत रहता है। यदि संपूर्ण रूप से कृष्ण के शरणागत हो जाओ, निर्भय बन जाओ,
यदि कृष्ण का मैं शरणागत हो गया, वो हमारे शरण को दे दिया, तो फिर दूसरों से मांगना जी हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, ये भाव नहीं हो सकता। इसलिए हमारी पूर्ण शरणागति नहीं है। इसलिए गोपियों को मैं विशेष करके राधिका जी का प्रधानता रास में दिखलाने के लिए कृष्ण की ये लीला रास लीला हुई। हमारे गोस्वामियों ने भी कुछ ऐसा ही लिखा है। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रास की लीला राधिका जी का महत्व सब गोपियों से भी महत्व दिखलाने के लिए ही हुआ। इसीलिए कृष्ण ने उतना को मारा। कृष्ण का तो ये काम पुतना को मारना नहीं है, और उतना ब्रज में अपराधिक पर्व में जहाँ पर की कृष्ण है कैसे पहुंच गई, जहाँ पर कृष्ण का जन्म है जोग माया केवल है, ये माया जा नहीं सकती, जहाँ पर कृष्ण की ये माया नहीं जा सकती पहुंच गई। मत उतना जोग माया ने इस लीला को संपादन करने के लिए उसके हृदय में प्रेरणा दे करके उसको ले गई। वो ऐसे नहीं जा सकते। कृष्ण ने उसे दूध पीने के बहाने उसके प्राणों को भी सोख लिया। ये तो बड़े दुख की बात है कि कृष्ण ने उनको मारा। नहीं, कृष्ण जिनको मारते हैं उनका क्या करते हैं, उसका वह शरीर बदल कर उसके स्वरूप में स्थित कर देते हैं। भले ही पुतना राक्षसी अपने कर्मों से राक्षसी है, किंतु उसकी आत्मा असुर नहीं है, राक्षसी नहीं है। जीव का स्वरूप ही नित्य कृष्ण दास है। इसलिए कृष्ण ने उसे मार करके कौन सी गति दी है, उचित गति दी, माता की गति नहीं समझो, और कृष्ण को दूध पिलाने वाली ब्रज में उसको भी मत समझना, उचित वैसे ही उसको गति दी। कितने बड़े दयालु कंस को मारा, अगासुर बकासुर सबको मारा और उनको गति दी, जो कि हजार वर्षों की तपस्या से नहीं मिल सकती उसको दिया। तो जो लोग प्रेम से भगवान का भजन करते हैं, दस सख बास उनको कृष्ण नहीं क्या नहीं दे सकते। इन कारणों से भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आंशिक या पूर्ण रूप में और गोकुल में बहुत सी उन्होंने लीलाएं की हैं। हम लोग अभी भागवत तीर्थ महाराज और रसानंद ब्रह्मचारी और सब ब्रह्मचारी का नाम लिस्ट कर देना, भागवत बंद नहीं रहेगा दोपहर में। प्रेम बल्लभ का नाम रख देना, और फिर शाम को तीर्थ महाराज जी 4 बजे के करीब में बैठेंगे, 5 बजे 5:30 तक होगा, इसके बाद में फिर वो उधर में सभा 7 से बाद में करें, सब तक ये कथा इधर में होती रहेगी। कुछ रसान कुछ कृष्ण के वैशिष्ट के संबंध में बोल Shri Gurudev was saying that Shri Krishna appeared here in a complete form in Mathura.
And he appeared in a more complete form in Gokul. Because there's no question of Bhagavan ever being incomplete. Om Purnam Purnamida Purnam Purnasudachati. Then we cannot say that Krishna is partial in any way. Then we can say that Krishna appeared here in the form of Narayan here in Mathura. But in his original form of Swayam Bhagavan, he appeared in Gokul. So here in Gokul, in Mathura, it appeared that out of fear of Kamsa, that Krishna asked Vasudeva and Devaki to take me to Gokul. I will make all arrangements for you. At that time, Yogamaya arranged for the prison doors to open, and all the guards were sleeping, and the chains on the hands and feet of Vasudeva and Devaki automatically opened. And Vasudeva Maharaj took Sri Krishna towards Gokul. That time the rain was so heavy no one could see anything and the Yamuna was in complete flood. How to cross? At that time Yogamaya took the form of a jackal and she crossed the Yamuna. So Vasudeva Maharaj thought, how wonderful, even though the Yamuna is in such heavy flood, I will also cross there. So as he was crossing, the Yamuna had a desire to touch the feet of her Lord. Therefore she rose higher and higher. And Vasudeva Maharaj had kept Krishna in a basket, and Krishna put his feet out of the basket and touched Yamuna. And being satisfied, then she fell down to her original position. That time as he went to Gokul. So we should understand who went to Gokul, who stayed in Mathura. Krishna, Mathuresh Krishna, he never leaves Mathura. And Dwarkesh Krishna, he never leaves Dwarka. And Vrajananda, Vrajesh Krishna, he never leaves Vrindavan. Then we should understand Yamuna is divided into half. This half belongs to Mathura, and the far side, that side belongs to Gokul or Vrindavan. Therefore, at halfway, Mathuresh Krishna returned, and Gokul, Vrajananda Krishna came on that side halfway across the Yamuna. Vasudeva Maharaj brought his Krishna there and he saw a sleeping girl that Yasoda had given birth to. He kept his son there and took Yogamaya in his basket and returned back to Mathura. So why Sri Krishna took birth in this world? Why he performed his Leela? There are so many causes, and we will discuss some of the main ones. Of course, in Gita, Krishna says, Dharma Samstapanata. O Arjuna, I come here to establish Dharma. Paratanaya Sarvanam Vinasaya Tanushkritam. I come here to protect the sadhus and to destroy the demons. But these are all secondary reasons. Because performing activities like killing demons and removing the burden of the earth and protecting sadhus, these are activities that can be performed by Vishnu. Therefore, who is Vishnu? He is a part of a part of a part, and then a secondary part, an ounce of an ounce of an ounce, and then a color of an ounce. That is of Krishna, that is Sri Vishnu. There is no necessity for Krishna himself to perform these activities when Vishnu himself can do it very easily. Inside Krishna is Vishnu and he himself is performing these activities. Therefore, these are not the real reasons of Sri Krishna's appearance. In taking the meaning of a verse, there's two ways you can do it. One is Mukhya Vritti, the other one is? Mukta Prabraha Vritti. And the other one is secondary way. Direct and indirect, we say. So in the same way, which type of dharma did Krishna come to establish? Onivan Ashram Dharma. But really we should understand that Krishna came to establish Sanatana Dharma. What is the Sanatana Dharma of the Jiva? The souls have forgotten Bhagavan, and because of this ignorance, they are rotating constantly in the endless cycle of birth and death. To reclaim them, Sri Krishna himself has come in the form of Narasimha, Ram, Brahman, etc. Of all the incarnations, three are special. They are called Paravastatattva. That is Sri Ramchandra, Sri Nrisimhadev, and especially Sri Krishna. Nrisimhadev appeared to save Prahlad Maharaj. But Sri Krishna and Mahaprabhu, who are both Swayam Bhagavan, when he appears, his eternal associates
his Nityasiddha Parikas appear with him. Because without associates, there is no question of performing pastimes. So Krishna and Mahaprabhu appear with these eternal associates, and by hearing of these pastimes that he performs with them, the devotee's mind will become very fixed on Krishna, and gradually, by performing bhajan, he can achieve perfection of realizing his sarup, that is called sarup siddhi. Of all the pastimes of Krishna, Rasalila is the best. Why? Because without Radharani, there is no question of Sri Rasalila. Therefore, to manifest the glories of Sri Radhika, Krishna performed pastimes such as Rasalila. But Srimati Radhika is not alone. She is with her Kaivyuha, her non-different expansions. By performing these pastimes, Krishna manifests the excellence of Sakya Ras, then which is superior to that in the form of Vatsali Ras. And superior even to Vatsali Ras is the Parikya Ras of the Braja Gopis. To manifest these things, Krishna manifested in this world. Krishna himself admitted, Na Pariham, the Divija Samyut of Swasajut, Kritam Vipuna Yusiniva, Mambajam, Durga, Geha Srikara, Sampristhya, Pratyadu Sadhanam. O Gopis, for me you have given up all type of Vedharma, all shyness. You have given up Ajapat, following your relatives and attraction for them. You have given up all this for my satisfaction. Therefore, I am indebted to you. I cannot repay you, even if I am in a lifetime of Lord Brahma. Please be satisfied by your own good nature, Sadhu Swabhava. To manifest these glories of the gopis, Krishna manifested in this world. In Rasalila, the gopis became somewhat proud. Oh, Krishna is with me. Therefore, to break their pride, Krishna disappeared from Rasalila. All the millions of gopis searched everywhere for Krishna. And what did they find? They could only find the footprints of Krishna. And in the middle, there were the footprints of one young lady. The other gopis, they said, Ararita Nunam Bhagavan Hari Iswara. Who is this girl? We don't know. But she must have performed very intense worship of Lord Narayan. Because with that sukriti, Lord Krishna has taken her and left aside all of us. Actually, the gopis on the side of Radhika, the Swapaksh gopis, they were happy seeing the footprints of Radhika, but also they felt some unhappiness because we cannot serve Radha and Krishna because we are separate from them. Therefore, we should not have any desires. We should not ask anything from Bhagawan. If Krishna may ask, what do you want? The devotees say, we want to serve you more. Then Krishna will become even more indebted to us. Therefore, be very careful. We should not keep any material desires within our hearts. Of course, there may be examples such as Draupadi when she was being stripped. That was an emergency situation. Therefore, she cried to Krishna. But really, there is no need to cry to Krishna for anything because he understands everything very nicely. The Sudarshan Chakra always revolves over the head of the devotees, protecting them in all ways. Therefore, we should take complete shelter of Krishna and become fearless in every respect. If we think that others will protect us, others will save us, this means we have not fully surrendered to him. Therefore, the essence of all this is Krishna manifested to manifest the glories of the gopis and especially Srimati Radhika. Sri Vishwanath Chakra Thakur has explained that Krishna really performed Rasalila to manifest the excellence of Srimati Radhika. There are other causes why Krishna appeared, such as the deliverance of Putana. How could Putana go to Gokul? What inspired her? Actually, all Krishna's pastimes, there is no touch of Maya, the illusory potency. All these pastimes are performed under the influence of Yogamaya. Therefore, Yogamaya herself inspired the heart of Putana to come to Gokul. Did Krishna kill her? Did he murder her? No. On the excuse of taking milk, he actually released her from that material body and gave her an eternal position, her sarup. Actually, the soul of Putana is not a Rakshasi,
All souls are servants of Krishna. And what position did he give Putana? Not the position of mother, but the position of nursemaid, Dhatri. Therefore Krishna came and he gave liberation, and even more than liberation, he gave Surup City to demons like Kamsa, Agasur and Bakasur, which they could not have attained even after performing austerities for millions and millions of years. Therefore, see, Krishna can give everything, and Krishna is so kind. Last night he gave so much rain because all the devotees will have to fast today. Therefore, Krishna gave them some mercy. So Gurudev said, we pray to Krishna, he can inspire Indra nine times to send more rain, because all India there is no rain and everyone is crying, and Krishna can give his mercy like that. Go Premanandi! तदनंतर उपस्थित पूजनीय वैष्णव वृंद, समस्त भक्त जन, माताएं बहनों, सभी को मेरा प्रणाम मिलेगा। अभी अभी गुरु जी ने आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण की जो पावन लीलाएं हैं उस पर प्रकाश डालते हुए भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव का कारण बताएं। भगवान श्री कृष्ण जो कि हम सभी शास्त्रों के आधार पर देखें तो हमारे गुरु स्वामियों ने वर्णन किया, भगवान श्री कृष्ण जो है अद्वैत ज्ञान पर तत्व, अद्वैत ज्ञान तत्व ब्रज ब्रजेंद्र नंदन, ब्रज विलासी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण वे ही अद्वैत ज्ञान पर तत्व, जो कि स्वगत स्वजातीय विजातीय भेद रही, जिनको वेदों में यह वर्णन किया गया है एकमेवाद्वितीयम्, एकम एव अद्वितीयम्, जो अद्वितीय परम पुरुष है वही एकम है, एक वो परम पुरुष एकम भगवान कौन है जो कि कृष्ण को ही सर्वेश्वर कहा गया है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, समस्त कारणों के कारण परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जिनको गोविंद नाम से जाना जाता है, जो कि अनादि के आदि, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को शास्त्र में वर्णन किया जो कि उनके न तो कोई बराबरी करने वाला है न उनसे बढ़कर है, ऐसे जो परम तत्व उन्हीं को असमूर्ध तत्व कहा गया है और उन्हीं को ही अद्वैत ज्ञान कहा गया है कि न द्वयमिति अद्वयम्, जिनका दूसरा द्वितीय कोई नहीं है, इसलिए कहा गया है स्वगत स्वजातीय विजातीय भेद रहित परम ब्रह्म, क्योंकि स्वगत भेद होता है शरीर और आत्मा में, अपने में जो भेद है, हम लोगों के जैसे शरीर और आत्मा में भेद है तो भगवान के शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं होता है, क्यों? भगवान का शरीर जो है कोई भौतिक नहीं है और प्राकृत चिन्मय शरीर है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की जो कि ब्रह्मा आत्मिक लक्षण यह कहा गया है, ब्रह्म और आत्मा दोनों में एकत्र है, उसमें कोई भेद नहीं है। देह देही भिदा नास्ति निश्चरे विद्यते कति, भगवान के शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं होता है। और भी दिखाया गया है, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं जन्म कर्म चौमे दिव्य मेव, मेरा जन्म कर्म दिव्य अलौकिक और प्राकृतिक है। इस प्रकार भगवान का जो कि स्वगत भेद होना चाहिए ये भेद भी नहीं है, स्वजातीय जितने भी अवतार हैं वे सभी भगवान कृष्ण से ही आए हुए हैं, इसलिए कृष्ण को पूर्ण अवतारी कहा जाता है। और सभी अवतार
उन्हीं से ही प्रकाशित हुए हैं और जितने भी देखा जाता है जीव और जगत उन्हीं से ही प्रकाश हुआ है। इसलिए विजातीय पृथक रूप में पृथक स्वतंत्र सत्ता से रोह करके कोई भी वस्तु भगवान से पृथक नहीं रहा। अतः सभी कुछ भगवान से ही आया हुआ है। जितने भी जीव हैं वे सभी भगवान के शक्ति का प्रकाश जगत ब्रह्म ही भगवान ही जगत रूप में परिणत हुए हैं, प्रकाशित हुए हैं। इसलिए विजातीय भेद रहे। भगवान कृष्ण को कहा गया है कि वे पूर्ण अवतारी हैं, सोलो कला में परिपूर्ण है। भगवान श्री रामचंद्र आए हैं परंतु भगवान श्री राम को 12 कलाओं में देखा जाता है तो भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं में परिपूर्ण है। अतएव वे पूर्ण अवतारी हैं। उनको रस के दृष्टि से जब देखा जाए अखिल रसामृत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण में 12 रसों का वर्णन हुआ है क्योंकि सभी भक्तों ने एक ही साथ भगवान श्री कृष्ण को सभी रसों में अनुभव किया। इसलिए संपूर्ण समस्त रसों का विषय विग्रह भगवान श्री कृष्ण है। और दूसरी ओर दिखाया कि नायक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जो है नायक चूड़ामणि है, सर्वनायक चूड़ामणि, जो कि नायकत्व 96 प्रकार नायकत्व गुण कृष्ण में है। और कृष्ण की एक विशेषता है धीर ललित, धीर शांत, धीर उदात्त, धीर उद्धत। उन सब में धीर ललित नायकत्व गुण कृष्ण में एक विशेष प्राधान्य गुण है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण में कहा गया है निश्चिंत नव तरुण विदत्त परिहास विशारद प्राय प्रेयसी वच स्या धीर ललित इति उदीर जते। निश्चिंत नव तरुण भगवान श्री कृष्ण ने किसी भी असुर को मारने के लिए न उनको कोई चिंता करनी पड़ी, न कोई अस्त्र धारण करना पड़ा, न कोई अधिक क्षण तक कोई प्रयास करना पड़ा, कुछ भी नहीं। चुटकी बजाते खेल खेलते ही बिना लमटी कसे ही ऐसे के वैसे ही छुआ लगा दिया, आवाज हो गया, धड़ाम से गिर गए। ऐसे सभी असुरों को पछाड़ मारती और क्या किया, निश्चिंत है। नंद बाबा देखा कि कृष्ण हमारा छोटा सा बालक है, इनको कोई घर का काम नहीं देना है, कोई जिम्मेदारी नहीं दिया, फिर भी भगवान श्री कृष्ण वन बिहारी बन करके वृंदावन विलासी हुए, जो कि वन वन में विहार करते हुए सत्संग विहार किया और लीलाएं। अतः भगवान श्री कृष्ण जो है निश्चिंत है। नव तरुण, नव किशोर, नटवर, गोपवेश, बेरुकर, एक और नव किशोर है नटवर स्वरूप, परिशोर स्वरूप है कृष्ण नित्य स्थिति। कृष्ण के स्वरूप में दिखाया गया बाल्य, पौगंड और कैशोर तीनों ही स्वरूप देखा जाता है। और उनमें भी कैशोर नित्य स्थिति, कैशोर स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण की नित्य स्थिति देखी जाती है। और इसी नव किशोर नटवर स्वरूप में ही वे बालक बनते हैं और वे पौगंड उम्र के सखा भी बन जाते हैं और गोपियों के साथ में प्रेम विहार करते हैं और वही उनका नित्य स्वरूप होता है। इस प्रकार कृष्णेर जतक खेला सर्वोत्तम नर लीला नर बपूतहर स्वरूप। इस नर स्वरूप में ही नराकार स्वरूप में जो उनकी लीला है वही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है, यही नित्य रूप माना गया है। और भी भगवान के लिए कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण का तीन प्रकाश है, स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और आवेश। स्वयं रूप श्री कृष्ण ब्रज विलासी श्याम सुंदर द्विभुज मुरलीधर है, वे दो हाथ वाले मुरलीधर बंसी बजाने वाले भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप है। और उनमें से दिखाया गया कि ऐसे स्वयं रूप भगवान श्री कृष्ण के स्वयं रूप स्वयं प्रकाश, उनमें भी प्रभाव और वैभव भेद से दो प्रकार प्रकाश होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ब्रज में
मथुरा में और द्वारका में तीनों स्थान में लीलाएं की हैं। अतः तीनों उनके लीला धाम है, तो इसमें क्या है, स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश और प्रभाव प्रकाश। इस प्रकार जो उनके वैभव प्रकाश विलास हैं, वे हैं वासुदेव शंकरषण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। कभी कृष्ण द्विभुज रूप में तो कभी चतुर्भुज रूप में ऐश्वर्य भाव को प्रकट किए हुए। उनमें से जितने भी अवतार निकले हुए हैं, केशव नारायण गोविंद दामोदर मुकुंद पद्मनाभ ऋषिकेश और निश्चिंग हरि जनार्दन आदि करके जितने भी अवतार हैं, वे सभी भगवान के तदेकात्म रूप में आते हैं। क्यों? भगवान के जैसे ही एक ही स्वरूप में केवल भिन्नता इतनी है, वे सभी चतुर्भुज होते हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी होते हैं, ऐश्वर्य विलास विग्रह होते हैं, और उन सब का एक एक अनंत वैकुंठ धाम है। इस प्रकार भगवान के जितने भी विलास विग्रह हैं, ये सभी तदेकात्म रूप में आ जाते हैं, और उनका एक प्रकाश होता है शंख रूप में, जो कि वैकुंठ में विराजमान श्री नारायण रूप में विराजमान है। तो इसी प्रकार श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, यस्य ब्रह्मेति संगम कथितपि निगमे जाते चिन्मात्र सत्ताम पंशो यस्यांश कई सैर विभवती वसन्नेव मायांपमांस एकम यस्यैव रूपम विलसती परब्रह्मणि नारायणार्थम सत् श्री कृष्ण स्वयं भगवान विधत्ते तत् प्रेम पाद भाजा। श्री जीव गोस्वामी बात कहते हैं, एकम यस्यैव रूपम विलसति परब्रह्मणि नारायणार्थम यस्य ब्रह्मेति संगा कथितपि निगमे जाति। निगम शास्त्रों में जिनको ब्रह्म नाम से कहा है, पुकारा है, वो ब्रह्म क्या है? जिस भगवान की अंग ज्योति है, उस ज्योति को ब्रह्म के रूप में कहा गया है। पुराणों में, शास्त्रों में जिनको परमात्मा के रूप में कहा गया है, वो भगवान श्री कृष्ण के एक अंश स्वरूप है परमात्मा। इस प्रकार जिनका एक अंश वैकुंठ में नारायण रूप में विराजमान है, एकम यस्यैव रूपम विलसति परब्रह्मणि नारायणार्थम परब्रह्म में नारायण रूप में विलास विग्रह जो विराजमान है, वो कौन है? वो परमेश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जो है, वे ही स्वयं है परम तत्व। तो इसलिए वे कहते हैं कि हम सबको अपने चरणों में प्रेम भाजन बनाए। ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण है, वे तदेकात्म रूप में, फिर आवेश के रूप में कारणाब्धि साई गर्भोदक साई खिरोद साई पुरुषावतार गुणावतार युगावतार लीलावतार मन्वंतर अवतार शब्दावेश अवतार, ये सभी अवतार जिनसे प्रकट हुए हैं, इन सब के जो पूर्ण अवतारी मूल पुरुष हैं, वही पूर्ण अवतारी भगवान श्री कृष्ण। इसी प्रकार सभी शास्त्रों में वर्णन होता है, उपनिषदों में यह भी दिखाया, रसो वैस रसम जेवायाम लब्धानंदी भवति कप्राणा जद एष आकाश आनंद रस्या। रसो वैस भगवान, रसो वैस है भगवान, रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, आनंद अयम आत्मा आनंदम ब्रह्म व्यजना और आनंदमय अभ्यास इत्यादि सूत्र वचन के द्वारा भी जाना जाता है कि भगवान स्वयं आनंद घन ब्रह्म है और आनंद पूर्ण स्वरूप है, रसो वही से है। इसलिए कहते हैं, यदि भगवान आनंद स्वरूप नहीं होते तो संसार में कौन व्यक्ति प्राण धारण करता, कौन जीवन धारण करता, कौन आनंद के लिए खोज करता, कौन प्रयास करता, यदि पर ब्रह्म आनंद स्वरूप नहीं होता। इसलिए कहा है, तस्मात् कृष्ण एव परो देव। वेदांत में कहा है, कृष्ण ही परम देवता है, कृष्ण इष्ट, वे सबके उच्च है,
एको भी सन जो बहुधा विवाहती एक होकर के अनंत स्वरूप में अनंत अवतारों में स्वयं प्रकाशित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उच्चबृंद महाराज को कहा कि हे महाराज मैं क्या बताऊं, आकाश के कोई तारे गिन ले, पृथ्वी के बालू कण को गिन ले और पानी के बूंद को भी गिन ले, वह भी संभव हो जाएगा, परंतु मेरे अवतारों की गिनती कोई नहीं कर सकता है। कितने अवतार और कितने समय में कितने रूप में प्रकट होते हैं कोई गिनती नहीं कर सकता है। फिर भी इतनी अनंत अवतारों के द्वारा जो विश्व जीव का पालन करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, ऐसे सृष्टि स्थिति प्रलय के कर्ता बन करके भी जो प्रेमी जनों के प्रेम को आस्वादन करने वाले जो मृत्यु अमृतांश बाहर में मृत्यु रूप में जो काल स्वरूप में सबकी परिचालना करने वाले और भक्तों को अमृत प्रेम प्रदान करने वाले ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण है, तम रसे तम जजे तम भजे। वेदांत में कहा है तम रसे रस पूर्वक रसोपासना के द्वारा भगवान की आराधना करें, उनकी सेवा करें और उनकी भक्ति करें, इस प्रकार वेदांत का वचन। ऐसे ऐसे भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीला माधुरी जो कि रूप माधुरी गुण माधुरी और वेणु माधुरी, इन चार माधुरियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के 64 गुणों का वर्णन हुआ और कृष्ण में ये चारों विशेषताएं दिखाई जो कि अन्यत्र कहीं नहीं है, किसी भी अवतार में नहीं, एकमात्र कृष्ण में सिद्ध होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की जो अनंत महिमा है आज हम उन्हीं को प्रणाम निवेदन करते हैं। पंचा पावने इसके बाद में श्री रसानंद ब्रह्मचारी जी महाराज कृष्ण पुरंदर सुबल सखा अमल कृष्ण विजय कृष्ण अच्युतानंद गौरांग प्रेम बल्ल श्याम बिहारी आदि भागवत का हिंदी में पाठ करेंगे और विदेशी भक्त लोग और फॉरेन डिवोटी दे विल सीट सेपरेट दामोदर महाराज ब्रजनाथ प्रभु दामोदर महाराज ब्रजेंद्र नंदन ब्रजनाथ प्रभु Krishna Karuna and others. Shamaradi will do part.